आज हम बनाएंगे गन्ने के जूस जैसा रस, वो भी बिना गन्ने के। गर्मी के दिनों में तो आप इसे रोज बना के पियेंगे। तो सबसे पहले जो लोग चैनल में नए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब कभी आपको गन्ने का रस पीने का बहुत मन हो, आप बाहर नहीं जा सकते एंड आपके पास गन्ना भी नहीं है, तो ये तरीका जरूर आजमाइए। आपको तो पता ही होगा कि गन्ने के रस से गुड़ बनता है, तो आज हम गुड़ से गन्ने का रस बनाएंगे। तो मैंने लिया 50 ग्राम गुड़ एंड उसको छोटा छोटा पीस में कट कर रही हूँ। आप इसको ग्रेट कर सकते हो या फिर ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हो, या फिर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो उसका यूज भी कर सकते हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी लेंगे और जो कटा हुआ गुड़ था उसको उसमें डाल के 10 मिनट भिगोने के लिए छोड़ देंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले गन्ने का जूस जैसा ही होगा। तो 15 मिनट बाद देखिए, गुड़ लगभग पानी में पूरा मिक्स हो गया है एंड पानी का कलर पूरा चेंज हो गया है। बचा हुआ गुड़ एंड उसका पानी को ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। ये रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ठंडा गन्ने का जूस पसंद है तो आप ठंडा पानी या फिर आइस क्यूब्स का बंदोबस्त करके रखिए। ग्राइंडर जार में हमने डाला 1 चम्मच सेंधा नमक, आधा नींबू का रस एंड कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते। आपको अगर गन्ने के रस में अदरक पसंद है तो आधा इंच अदरक को काट के भी इसमें डाल सकते हैं। बस ये सारे मटेरियल्स को झाग होने तक अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, लग रहा है ना ठेली में मिलने जैसा गन्ने का रस। इसमें हम डाल देंगे 4-5 आइस क्यूब्स एंड इसको फिर से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका कलर, टेक्सचर या फिर टेस्ट में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। बस अभी इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे एंड एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। तो जब हम इसको छानेंगे तो इसमें जो पुदीने का पत्ते होंगे या फिर कुछ और चीज़ें होंगी बची हुई, तो वो सारे निकल आएंगी। ये रस के साथ ये फ़ायदा है कि इंस्टेंट तो बन ही जाता है, लेकिन आप इसको कुछ घंटों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। मैं अभी ये रस को मिट्टी के जार में निकाल के रख लूँगी एंड 2 घंटे बाद मेरे गेस्ट आने वाले हैं तो मैं उनको सर्व करने वाली हूँ। तो मैंने लिया सेंधा नमक एंड थोड़ा सा मिर्ची पाउडर एंड ग्लास को उल्टा करके थोड़ा नींबू का रस लगा के उसके ऊपर डिप कर दिया। तो ये देखिए, इस तरीके से डिज़ाइन बन के आ गया। तो बस फटाफट ये गन्ने का रस बनाइए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सर्व करिए। तो फ्रेंड्स, लग रहा है ना बिल्कुल इसका टेक्सचर एंड लुक जैसे मार्केट में मिलता है वैसे ही। आपको ये रेसिपी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें एंड अगर आप ये चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं ये रेसिपी को जब भी बनाती हूँ अपने लिए तो इसको मिट्टी के ग्लास में ही सर्व करती हूँ। मिट्टी का ग्लास में पीने से जो खुशबू आता है तो उसका टेस्ट को डबल कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई करिए एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।